जेड कॉन्जुगेट ओमेगा डिवाइडेड बाय प्लस थ्री जेड कॉन्जुगेट ओमेगा ठीक है तो हमें यहाँ पे दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर मोड ऑफ जेड ओमेगा मोड ऑफ जेड डॉट ओमेगा मोड इक्वल टू वन तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से ऐसे ले सकते हैं मॉड ऑफ जेड मोड ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू वन तो मोड ऑफ जेड कितना हो जाएगा वन अपॉन मोड ओमेगा और मोड ओमेगा भी रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं मोड ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन मोड ऑफ जेड ठीक है और हम हमें लेना है हाँ पे, z to, यहाँ पे मोड इज इक्वल टू यहाँ पेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू आ वन अपॉन आर क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड है मोड ऑफ ओमेगा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ मोड वन अपॉन मोड जेड और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है आर तो वन बाय आर एंड ई की पावर आयोटा थीटा अब हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा तो यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकाल लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना आएगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में थ्री पाई बाय टू इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा ठीक है यहाँ से सिंपल आ जाएगा और और इसका कितनी वैल्यू है जेड की आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा थीटा माइनस थ्री पाई बाय टू ठीक है तो आयोटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे थीटा माइनस थ्री पाई बाय टू ठीक है अब हमें पता है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे जेड जेड कॉन्जुगेट ओमेगा की ठीक है अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इजी हो जाएगा तो हम यहाँ पे निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू तो इसकी वैल्यू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है आर ई e की पावर आयोटा ठीटा तो, e आयो तो ये हो तो जाएगा आरई की पावर माइनस आयोटा थीटा मल्टीप्लाई विद ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास वन बाय आर ई की पावर आयोटा अंदर आएगा ठीटा माइनस थ्री पाई बाय टू ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आर ई की पावर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद अपॉन एंड की पावर आयोटा और आयोटा को अंदर करेंगे तो कितना आएगा ई e की पावर माइनस आयोटा थ्री पाई बाय टू ठीक है इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ई e की पावर माइनस आयोटा थीटा और e की पावर आयोटा थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे ई e की पावर माइनस आयोटा थ्री पा बाय टू ठीक है तो हमारे पास जेड ओमेगा की वैल्यू भी आ गई और अब हमें पता है ई e की पावर माइनस आयोटा ठीटा को हम ट्रेग्नोमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन ठीटा ठीक है तो इसको लिख देंगे कॉस ऑफ थ्री पाई बाय टू कॉस ऑफ थ्री पाई बाय टू एंड माइनस ऑफ आयोटा आयोटा ठीक है, होता है sin कितना होता? 1, तो जेड कॉन्जुगेट ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई आयोटा अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन में ठीक है हमारे पास फंक्शन क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ब्रैकेट वन माइनस टू जेड वन माइनस टू जेड कॉन्जुगेट ओमेगा डिवाइडेड बाय वन प्लस थ्री जेड कॉन्जुगेट ओमेगा ठीक है अब हम आपको क्या पता है जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू पता है हमें तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय वन प्लस थ्री आयोटा ठीक है अब हमें सिंपली इसका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ आयोटा 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 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय एंड मल्टीप्लाई विद ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वन माइनस थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा से करेंगे तो माइनस टू आयोटा एंड माइनस माइनस भी कम प्लस तो हो जाएगा सिक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस नाइन आयोटा स्क्वायर ठीक है अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस माइनस थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा कितना हो गया माइनस फाइव आयोटा और सिक्स आयोटा स्क्वायर कितना हो गया माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स प्लस वन दैट इज माइनस फाइव एंड माइनस फाइव आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस नाइन आयोटा स्क्वा स्क्वायर क्या है माइनस वन तो माइनस माइनस भी कम प्लस तो वन प्लस तो ये वैल्यू आ गई हमारी तो हमें पता है ये वाली वैल्यू हमारी किस एक्सिस में लाई करेगी ये करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में ये कौन से क्वार में लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेट में लाई करेगी क्योंकि यहाँ पे एक्स भी क्या है नेगेटिव और y भी क्या है नेगेटिव ठीक है ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा यहाँ पे कहीं लाई करेगा ठीक है तो यहाँ पे इसको कैसे हम फाइंड करेंगे इसको फाइंड करेंगे हम पीछे से ठीक है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ठीक है तो यहाँ पे कितनी है ये टोटल वैल्यू कितनी है हमारी माइनस पाई इसको अगर हम अज्यूम करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारी माइनस पाई और हमें यहाँ तक का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे यहाँ पे हमारी ठीठा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस पाई प्लस अल्फा ठीक है और यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ पे तो टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई बाई एक्स ठीक है यही होता है फॉर्मूला तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस फाइव बाई टेन माइनस फाइव बाई टेन डिवाइडेड बाय माइनस फाइव बाय टेन सिंपल उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन तो अल्फा की वैल्यू वन कितने पे होती है टेन अल्फा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाय फोर और हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाएगी थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पुट करके माइनस पाई प्लस अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है है पाई बाय ठीक तो यहां पे वैल्यूनी माइनस फोर पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय फोर तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस थ्री पाई बाय फोर सो द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज माइनस थ्री बाय बाय फोर तो हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का माइनस ऑफ थ्री फाइव बाय फोर ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स. आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर